Welcome back to another video on Ash Benham. This is me, Ashin, your botany neat educator. तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इफ नॉट एमबीबीएस. काफी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, वो सोचते हैं अगर बाईपीसी उन्होंने ले लिया है तो उनको एमबीबीएस करना ही पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों और बहनों. बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जो वीडियो है बायोलॉजी लवर्स के लिए है. अगर आप बायोलॉजी लवर हो मेरे जैसे, अगर आपको बायोलॉजी साइड में, लाइफ साइंसेस के साइड में कुछ करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. ठीक है, सो लेट इज नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट इज डायरेक्टली जंप इन टू द वीडियो. तो अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो, है ना, तो क्लास 12 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री करना पड़ेगा. डिग्री को हम क्या बोलते हैं, बीएससी, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस, है ना. अब बैचलर ऑफ साइंस ये तो डिग्री कॉमन टर्म है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो एक एक करके हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो अगर आप क्लास 11th या 12th के बच्चे हो, एक एग्जाम के बारे में, बाईपीसी के बच्चे हो तो एक एग्जाम के बारे में आपने सुना ही होगा, दैट इज नीट, है ना. खौफनाक एग्जाम है ना ये, डर लगता है ना नीट से, तो बहुत ईजी एग्जाम है यार ये. तो खैर, हम नीट, अगर हम एक नीट एग्जाम लिखते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हम ऑप्ट कर सकते हैं इसके बारे में आज जानते हैं. ठीक है, तो देखो आप नीट एग्जाम लिखोगे, नीट एग्जाम में अगर आप, नीट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट केस वांट टू डू एमबीबीएस ओनली, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये करना आप पसंद करते हो. बट अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना है या एमबीबीएस में नहीं सीट आती है, थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, आप बीडीएस चूज कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज. अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस एंड बीडीएस, क्वालिफाइंग दिस नीट एग्जाम ओपन्स द गेट फॉर अदर ऑप्शंस लाइक BHMS, BAMS, BHMS क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. एंड इसी साल 2022 में ये अनाउंस हो चुका था कि BSc नर्सिंग भी नीट के अंडर ही आता है. सो इफ यू वांट टू डू BSc नर्सिंग देन यू हैव टू क्वालिफाई नीट एग्जाम. बट ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं और कुछ कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं, जैसे कि AFMC एंड एम्स, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं. तो अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उस पर होमवर्क जरूर करना कि क्या वो कॉलेज नीट के थ्रू एडमिशन लेता है या फिर वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, इस पर थोड़ा सा होमवर्क करना जरूर, क्योंकि ईयर टू ईयर ना ये सब क्राइटेरिया चेंज होते रहता है. ठीक है, अगर आप नीट लिखते हो, नीट के साथ आपको रिस्क नहीं लेना है, दूसरा कोई और एग्जाम में लिखना है, तो मैं आपको बताती हूँ. सेकेंड एग्जाम, दैट इज एमसेट एग्जामिनेशन. एमसेट एग्जाम लिखकर आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर में आप अपना करियर बना सकते हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हो, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो. बट एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए ना बस ये एक एग्जाम नहीं है, और दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि आईकार, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो ये हो गया था नीट और ये हो गया था एमसेट. नीट क्वालिफाई कर सकते, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो. एमसेट या आईकार क्वालिफाई करते हो तो आप एग्रीकल्चरल फील्ड में आप कुछ कर सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज द थर्ड ऑप्शन यू हैव, दैट इज बीपीटी. नाउ बीपीटी इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये अपने ये जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना बीपीटी जो प्रोवाइड करते हैं, ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं या फिर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट करते हैं. तो आपको ये एग्जाम भी आप लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम नीट एंड एमसेट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन फिजियोथेरेपी. अब जैसे कि कुछ कॉलेजेस की लिस्ट में बताती हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस है बट कुछ कॉलेजेस जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ. सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड MS रामैया इन मेडिकल कॉलेज. तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें आप फिजियोथेरेपी चूज कर सकते हो. वैसे इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था. ठीक है, चलो जी, अगर आप बीपीटी के साथ कोई और दूसरा एग्जाम भी लिखना चाहते हो, और काफी सारे बच्चे मुझे इसके बारे में पूछते हैं कि मैम फॉरेंसिक साइंस अगर करना होगा तो हम कैसे करें, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप यू नो क्राइम, वो CID वाला सीन आप याद करते होगे शायद, कि ऐसे होगा, डेड बॉडी आएगी एंड यू विल एंजॉय. तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने फॉरेंसिक साइंस नहीं किया है वैसे, बट येस इफ यू वॉन्ट टू डू देन यू हैव टू राइट ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, तो ये टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा. दिस इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेनी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि
मणिपाल यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंस एंड बिरला कॉलेज. तो ये कुछ कॉलेजेस है जिसमें आप फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो. ये कुछ कॉलेजेस के लिस्ट है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन ऑप्ट. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें कुछ करना है, देन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सारे सब्जेक्ट जो अभी मैंने बताए वो कॉम्बिनेशन में होते हैं. हर कॉलेज अपना खुद का कॉम्बिनेशन ये देता है. कि मैंने जो अपने कॉलेज से BSc मैंने किया था, आई हैव टेकन द कॉम्बिनेशन BCMC. मैं BC इज व्हाट, बायोकेमिस्ट्री, MS माइक्रोबायोलॉजी एंड CE इज केमिस्ट्री. कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, केमिस्ट्री कॉमन रहेगा, एंड द अदर टू सब्जेक्ट्स वुड बी डिफरेंट, राइट. अगर आप नॉर्मल कॉलेज से नहीं करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करता है. तो होता ये है कि देखो, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर ना कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं. या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से करो, इफ नॉट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस है आप उस कॉलेजेस से अपना डिग्री परस्यू कर सकते हो. ये कॉम्बिनेशन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा, राइट. अगर मैं बोलती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक कॉम्बिनेशन है, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन BHU में भी मिल जाए. वो जरूरी नहीं है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में वो मिल जाए. वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो चेंज होता रहेगा. सो बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन और बेस्ड ऑन द डिग्री व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन डिसाइड द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है. बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसके, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट कर सकता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकता है. बट देयर इज वन बिग एग्जाम कॉल्ड एज CU SET, है ना. अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसमें इस साल 2022 में 52 यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप 52 यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं लिखोगे, वो 52 यूनिवर्सिटीज के लिए आप एक कॉमन एंट्रेंस लिखोगे, दैट इज CU SET. एक एग्जाम लिखोगे, इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो कोई भी एक 52 यूनिवर्सिटीज में से आपको सीट अलॉट हो जाएगा. तो आप उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इंटीग्रेटेड कोर्सेस. ये जितने भी HCU, BHU, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे कि देखो, अगर आप डिग्री करोगे, डिग्री के बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो डिग्री के कुछ ईयर्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलग से कुछ ईयर्स होंगे. अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज को अप्लाई करते हो, आपका डिग्री और MSc दोनों साथ ही साथ आप करोगे, सो यू आर बाय राइटिंग दैट वन एग्जाम यू विल क्वालिफाई डिग्री एंड MSc. यू विल बी डूइंग डिग्री एंड MSc ऑल टुगेदर, ठीक है. डिग्री के लिए अलग, MSc के लिए अगर ऐसा नहीं होता, डिग्री MSc दोनों साथ साथ ही आप करोगे, राइट. अब जितने भी बच्चे तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ना ये ध्यान देना होगा, काफी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि अगर आपको डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, डिग्री कॉलेजेस मंजे फॉर बॉटनी, जूलॉजी, ऑल दी सब्जेक्ट्स वॉट एवर आई हैव लिस्टेड राइट नाउ, ओके, अगर आपको उसमें करना है तो आपको दोस्त के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ ऑन दोस्त. जैसे आप नीट के लिए NTA साइट पर जाकर अब अपना एप्लीकेशन फिल करते हो ना, तो वैसे ही दोस्त की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने क्रेडेंशियल्स फिल करना होगा. कुछ कॉलेजेस दोस्त के थ्रू एडमिशन लेते हैं और कुछ कॉलेजेस दोस्त के थ्रू नहीं लेते, ये अपना खुद से डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज गो पे द फी एंड यू विल गेट द सीट. बट अगर आप दोस्त के थ्रू जाते हो, आप अपने सारे इंटर के मार्क्स वगैरह जितने भी वो जो भी चीजें वो पूछते हैं वो फिल करोगे, एंड आफ्टर फिलिंग यू विल गेट द रिजल्ट. बेसिकली काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद में आपको रिजल्ट आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज आपको सीट मिल चुका है. दोस्त का फुल फॉर्म में बताती हूँ, डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना. स्पेसिफिकली तेलंगाना के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, तेलंगाना के कॉलेजेस आजकल सिलेक्शन ऐसे करते हैं, तो हमेशा अलर्ट रहना. क्योंकि अगर आप कोई भी एक कॉलेज में जाना चाहते हो और अगर वो कॉलेज दोस्त के थ्रू एडमिशन लेता है और दोस्त का एप्लीकेशन का डेट जा चुकी है, देन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उस कॉलेज में. अगर दोस्त के थ्रू नहीं लेता जो कॉलेज, अगर उसमें आप जाना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप पैसे दे दो, फी पे कर दो और आपको एडमिशन मिल जाएगा. छोटी सी काउंसलिंग रहेगी, बस वो छोटी सी काउंसलिंग अगर आप अटेंड करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. नो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो डू पैरामेडिकल कोर्सेज. नो पैरामेडिकल कोर्सेज ये जो होते हैं, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, MBBS जैसे ही होता है, बट शॉर्ट टर्म, और इनका फी स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं होता, थोड़ा MBBS से कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होता है. जैसे कि एक्सरे टेक्नोलॉजी एक पैरामेडिकल कोर्स है. ये बस ना प्रोफेशनल्स होते हैं जो एम्बुलेंस में होते हैं और ऑलवेज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है. अगर आपको वीडियो समझ में आया है, डू लेट मी नो बाई कॉमेंटिंग बिलो.
ताकि मुझे भी पता लगेगा कि आप सबको मेरा पढ़ाना या मेरा बोलना समझ आ रहा है. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, लेट्स मीट इन द अदर क्लास.